दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज हम बात करने वाले हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट के बारे में। हम सब ने इस शब्द के बारे में सुना होगा कि कैसे अब आइडियोलॉजी का रिलेवेंस नहीं है, आइडियोलॉजी के ख़त्म होने का दौर आ गया है। इस डिबेट को समझते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि कब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अब आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, आप किसी भी आइडियोलॉजी में यकीन करें, दुनिया एक ही तरीके से जाएगी। अब डिबेट उतने मैटर नहीं करते, आपस में इस तरह के डिस्कशन मैटर नहीं करते, क्योंकि एक रास्ता जो डिफाइन कर लिया गया है, अब लोग उसी रास्ते में चलेंगे। तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा दौर था जब लोगों ने कहा कि ये आइडियोलॉजी का ज़माना नहीं रहा। क्या आज भी हम उस ज़माने में हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि अब आइडियोलॉजी का ज़माना नहीं है, या कुछ कौन सी पार्टीज़ हैं जो इन चीज़ों पे यकीन करती हैं कि आइडियोलॉजी ज़्यादा लेना देना कुछ नहीं है। तो वो समझने के लिए इस पूरे डिबेट को समझते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, और फिर बेहतर तरीके से जान पाएंगे हम कि पूरी डिबेट क्या है। तो बात करते हैं 1950 से 60 के दौर की। उस दौर में ये डिबेट शुरू होता है और जहाँ ये माना जाने लगा था कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं अब उनका कोई रिलेवेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस भी नहीं है, उनकी ज़रूरतें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। और जो ये माना जाता था कि जो विचारधाराएं हैं वही ड्राइविंग फोर्स हैं किसी भी राष्ट्र के ग्रोथ में, इस आइडिया को चैलेंज किया गया उस दौर में। उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा क्या था। तो उस डिबेट में हम और ध्यान से जब देखते हैं तो बात निकल के आती है कि डिबेट का ओरिजिन 1950 से 60 के दौर में हुआ, और वो कोल्ड वार का टाइम था जहाँ पे दो सुपर पावर्स जिनमें यूएसएसआर और यूएसए, वो आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो वार जो लड़ रहे थे केवल फील्ड पे या वार वो वाला नहीं था, एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी चल रहा था जहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप दूसरे को दिखा रहा था कि तुम सही नहीं हो, दूसरा पहले को दिखा रहा था। तो उस दौर में ये बातें निकल के आई कि नहीं, अब आइडियोलॉजी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, और क्योंकि जो कोल्ड वार इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इंटेलेक्चुअल ट्रेंड थे उस दौर में, उन लोगों ने इस डिबेट को आग दी। तीनों चीज़ें कैसे होती हैं, कोल्ड वार तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि दो सुपर पावर्स हैं जो एक दूसरे को प्रूव कर रही हैं, तो उस चीज़ को एक काउंटर लेके आते हैं कि नहीं भाई, आपकी जो भी आइडियोलॉजिकल बैटल हैं वो वर्क नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं यूएसए के सपोर्ट में ये पूरा का पूरा डिबेट था कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आगे निकल चुकी है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं ये बातें होने लगी वहाँ पे। फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि माना जाने लगा था कि यही एक रास्ता निकला है, यही एक रास्ता है आगे जाने का, और आइडियोलॉजी एक ही आइडियोलॉजी आगे जाएगी, या वो अब उतना रिलेवेंस नहीं है, सब लोग एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, ग्रो करने की कोशिश करते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल ट्रेंड जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। राइज ऑफ टेक्नोक्रेसी के बारे में भी बात की है कि मिडिल क्लास इमर्जेंस ने कैसे इस डिबेट को हवा दी। अब सबको डिटेल से देखेंगे एक एक इस करके, अभी इस पेज में आप बस जो भी टर्म्स हैं वो देख लें। तो पहला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी वजह से डिबेट को क्या फ़र्क पड़ा। तो वर्ल्ड वार टू के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं खासतौर पर बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने लगी, और सब लोगों के सेंस में जो लोग वर्क कर रहे थे खासतौर पे सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म आ गया, क्योंकि लेफ्ट जो है खासतौर पे कम्युनिस्ट सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम वो क्रिटिसाइज कर रहा था वेस्ट का कि आप वर्कर्स को राइट नहीं दे रहे हैं, उनकी हालत कितनी ख़राब है। तो इस प्रॉस्पेरिटी में जो मिडिल क्लास है उसका काफ़ी भला हुआ, तो उनको उम्मीद दिखने लगी कि नहीं यार, इससे तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है वो ज़्यादा ध्यान इस बात पे दे रही है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि रियल में जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते हैं उन सब पे ध्यान जाने लगा है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से उनको सॉल्व करना है, आइडियोलॉजिकल बैटल में बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर और आगे बढ़ते हैं, जो मिडिल क्लास का है क्या रोल है। तो मिडिल क्लास पहले था कि उनके बीच में एक दिमाग में हो सकता है कि ये सिस्टम बेटर है, वो सिस्टम बेटर है, लेकिन धीरे धीरे करके मिडिल क्लास के बीच में एक कॉन्सेंसस बनने लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो बात करने लगे कि क्या फ्री मार्केट जो कैपिटलिज्म है वो बेहतर है, ये मानने लगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बढ़िया है, ये मानने लगे। तो उनके बीच में एक जो कॉन्सेंसस होने लगा उसकी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं ये सपोर्ट में आ गए कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी अब हो गया है, क्योंकि एक तरह की वैल्यू लोग मानने लगे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है। तो इस वजह से वो सोचने लगे, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस आ गया है, तो जो आइडियोलॉजिकल बैटल है अब उतना रिलेवेंट नहीं है। फिर राइज ऑफ टेक्नोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है कि टेक्नोलॉजिकल
एडवांसमेंट की वजह से जो डिसीजन मेकिंग है बहुत आइडियोलॉजिकल नहीं है, कि जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो अब टेक्नोलॉजी के आधार पर ले जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व कर देगी, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में हो, हंगर को दूर करने के बारे में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से लोगों को लगा कि अब मार्केट जो है या हमें जो डिसीजन लेना है वो रेशनल डिसीजन होने चाहिए, जो कि लोगों का भला करे, उनमें बहुत पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये रूल ऑफ एक्सपर्ट होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे वर्क करेंगे, ये कहने की बात थी। तो ये भी इंडिया आइडियोलॉजी को प्रमोट करते। फिर उस दौर का जो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट था उसने कैसे इस आइडियोलॉजिकल डिबेट को देखा, तो जिसने मदद करी इंडिया आइडियोलॉजी में, तो पुराने दौर पे जो आइडियोलॉजिकल बैटल चल रहे थे वो ग्रैंड जो नैरेटिव्स थे या ग्रैंड आइडियोलॉजी थी, चाहे कैपिटलिज्म की हो गई, लिबरलिज्म की हो गई, फिर सोशलिज्म और कम्युनिज्म की हो गई, इनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। तो एक दौर आता है जब एग्जिस्टेंशलिज्म और पोस्ट मॉडर्न सिस्टम आते हैं और ये सवाल खड़ा करते हैं कि कैसे आप इतनी बड़ी आइडियोलॉजी ले सकते हैं, ये ग्रैंड नैरेटिव को क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं कि रियलिटी को एक ही तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर जो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट एक बना उसकी वजह से भी इंडिया आइडियोलॉजी को मदद मिली और उस डिबेट को इन्होंने आग दी, ये आपको याद रखना है। ये लोग इंडिविजुअल ऑटोनॉमी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में बातें करते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा कुछ नहीं होता, और ये फ्रेगमेंटेड और पोस्ट आइडियोलॉजिकल इरा की बात करते हैं, जो नॉलेज है वो फ्रेगमेंटेड है, जो आइडियोलॉजिकल ग्रोथ है वो फ्रेगमेंटेड है, ये कहने की कोशिश की। फिर जो प्रोपोनेंट है जो ये मानते हैं कि आइडियोलॉजी का अब ख़त्म हो गया, वो उनके तीन लॉजिक ये हैं कि अब जो डिसीजन मेकिंग है वो एक्सपर्ट ड्रिवन है, अब प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ये तीनों रीजन जो पहले एक्सप्लेन किए गए हैं ये बड़े रीजन हैं जो इंडिया आइडियोलॉजी वाले देते हैं। अब दूसरा सेक्शन के बारे में देखते हैं कि अब इनके जो कौन कौन से प्रोपोनेंट हैं, कौन कौन से राइटर हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही सेक्शन है, अभी तक तो कहानी सुन रहे थे आप। पहला नाम है डैनियल बेल का, ये बात करते हैं इंडिया आइडियोलॉजी की, इनकी किताब भी है, और ये बात करते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे इन्होंने बोला कि केवल इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है क्योंकि अब अलग लेवल की ग्रोथ हो चुकी है, उनमें केवल प्रैग्मेटिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पर फोकस होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल डिबेट पे ज़्यादा फोकस नहीं रह गया है। और इन्होंने बताया कि जो ग्रैंड आइडियोलॉजीज़ हैं उनका डिक्लाइन हो रहा है, अब ज़्यादातर डिबेट इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर है, ये आपको याद रखने है, नाम याद रखना है और इनका की वर्क याद रखना है। फिर दूसरे राइटर हैं फ्रांसिस फुकुयामा, इनको आप इंडिया हिस्ट्री के तौर पे भी देखते हैं, इनका भी लॉजिक कहीं ना कहीं ये था कि बहुत बार आप इंडिया हिस्ट्री और इंडिया आइडियोलॉजी में कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप इंडिया आइडियोलॉजी में इनको भी यूज कर सकते हैं, ये भी क्योंकि ये कहने की कोशिश करते हैं। इनका टाइम थोड़ा सा बाद का है कि कोल्ड वार के बाद वाला टाइम, या कोल्ड वार जब ओवर हो जाता है उसके बाद वाला टाइम है, बाकी लोग का टाइम 1950 वाला है। तो ये कोशिश करते हैं बताने की कि इंडिया हिस्ट्री में कि दुनिया ने मान लिया है कि एक ही तरह का सिस्टम बेहतर है, वो लिबरल डेमोक्रेसी है और लिबरल वैल्यूज को लोगों ने मान लिया है, तो ये इनका कहना था। तीसरे जो है मार्टिन लिप्सिट नाम है इनका, ये पॉलिटिकल मैन करके किताब है, किताब का नाम है आपको याद रखना। फिर ये बात करते हैं कि जो पोलराइजेशन है आइडियोलॉजिकल वो अब घट रहा है, अब ज़्यादातर जो डिबेट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन के रूप में है, और इनका जो सबसे बड़ा लॉजिक है कि जो मिडिल क्लास है उनके इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस है, उनकी वैल्यूज में कन्वर्जेंस आ गया, तो अब जो लड़ाई थी वो लड़ाई नहीं रही है। ये सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, ना कि आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो ये तीन आपको नाम याद कर लेने हैं, डैनियल बेल, फुकुयामा, मार्टिन लिप्सिट, ये बात करते हैं कि इंडिया आइडियोलॉजी है। फिर इनको काउंटर करने के लिए जो लॉजिक आते हैं वो देखते हैं, काउंटर करने के लिए है कि जो इनइक्वलिटीज है सोसाइटी में अभी भी परसिस्टेंट है, अभी भी जो आइडियोलॉजिकल बैटल हैं वो रिलेवेंट हैं, क्योंकि इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी तो लोग सवाल पर पूछेंगे, और वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट है, अभी भी बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। फिर आइडियोलॉजी एक फ्रेमवर्क देता है जिससे लोग दुनिया को समझ पाते हैं, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। तो अब इनके जो राइटर्स हैं उनके बारे में जानते हैं, इनके जो पहले राइटर हैं वो हैं हर्बर्ट मार्क्यूज़, ये वन डायमेंशनल मैन, इन्होंने किताब लिखी, उसमें ये कहते हैं कि डोमिनेंट जो आइडियोलॉजीज हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके का इंसान क्रिएट कर रही हैं, इसलिए हमें अल्टरनेट विजन्स की ज़रूरत है, ये इनका लॉजिक है कि क्यों अल्टरनेट की विजन की ज़रूरत है, क्यों इंडिया आइडियोलॉजी नहीं। फिर दूसरे थिंकर हैं हैबरमास, वो उनकी किताब है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, और ये बात करते हैं कि पब्लिक डिलिबरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात करते हैं कि इंडिया आइडियोलॉजी जब हम बात करते हैं तो इंडिया आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं ये भी मान लेता है कि डिबेट की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रूव करते हैं कि नहीं, डिबेट की भी ज़रूरत है, पब्लिक डिलिबरेशन की भी ज़रूरत है, और रोल ऑफ आइडियोलॉजी है
पूरा का पूरा डिस्कोर्स सेट करने में और वाइब्रेंट पब्लिक स्फीयर बनाने में। तो इनका कहने का मतलब आइडियोलॉजी इसलिए भी जरूरी है ताकि डिबेट होते रहें, लोग पब्लिक की तरह बिहेव करते रहें, पब्लिक स्फीयर होता रहे, डेमोक्रेसी बनी रहे। तो लॉजिक आप देखें कि कैसे लोग कनेक्ट करते हैं। फिर तीसरे जो इनके थिंकर हैं रेमंडरन, ये कहने का ही इनकी किताब है द ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इस किताब में वो मार्क्सिज्म को क्रिटिक भी करते हैं, लेकिन वो कहने का ही इस पूरे प्रोसेस में ये बताने की कोशिश करते हैं कि आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंस रखती हैं, और क्योंकि वो फ्रॉम भले कितनी ख़राब भी हों तब भी एक फ्रेमवर्क देती हैं, दुनिया को नज़रिया देती हैं जिससे वो दुनिया देखी जा सकती है। और उनका ये कहना था कि स्केप्टिसिज्म होना चाहिए आइडियोलॉजी को, पूरी तरह से ये नहीं कि आपको सच के तौर पर ले लेना है, लेकिन आपको उनका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए और उनको आप थोड़े संशय से देखें कि क्या सही है क्या गलत है, वो कर सकते हैं आप, लेकिन उनको आपको देखना है। तो इस डिबेट में इतना ही, तीन तीन थिंकर्स आपको याद रखना है, रेमंडरन, हैबरमास, मार्क्यूज, और भी बहुत सारे थिंकर्स के नाम आएंगे, लियो स्ट्रास का भी नाम आएगा, बहुत लोग का आएगा काउंटर में, तो वो भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप एक एक थिंकर का याद करें। इस वीडियो में इतना ही, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अफेयर्स। इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी वीडियो आते रहेंगे और जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं, देखिए PPT है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव करके रखिए। मेरा नाम है संदीप और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।